स्वागत एक बार फिर आपका हिमतक पर। आज से है 13 मार्च 2020 और करंट अफेयर के सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज के वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया है? 15 अप्रैल, जो इसमें बिल्कुल सही आपका आंसर रहेगा। कोरोना वायरस भारत में ये तेज़ी से फैल रहा था और आज WHO ने इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया कोरोना वायरस को, ठीक है। 18,000 से अधिक जो मौत है वो कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है और चाइना में हर जो उनका स्टेट है या द्वीप है वहाँ पर ये पहुँच चुका है। भारत में कोरोना वायरस के 60 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो 20 मामले वहाँ पर कोरोना वायरस के पाए गए। भारत में 60 है, चाइना पूरा इसमें कवर हो चुका है, चाइना में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका है, ठीक है। आप जो भारत विदेशों से लोग आते हैं वो भारत ना आए, उनके साथ वायरस ना आए इंडिया में, 15 अप्रैल 2020 तक सरकार ने जो इनके पर्यटन वीजा थे उनको निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आप करेगा, 15 अप्रैल 2020 तक ये जो पीछे है वो निलंबित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका जो SS देशवाल है ये बिल्कुल सही आंसर आप करेगा। अब अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में भी इनके पास और कौन सा प्रभार दिया हुआ है इनको। तो ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ITBP के भी अभी महानिदेशक है SS देशवाल, ठीक है। और इन्हें अब BSF का अतिरिक्त जो प्रभार है ये दिया गया। इनसे पहले विवेक जोहरी जो BSF के DG थे और वो अब मध्य प्रदेश चले गए, तो उनके जाने के बाद फिर अब SS देशवाल जो है उनको BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देशवाल इससे पहले BSF और सीमा सशस्त्र बल के महानिदेशक रह चुके हैं, ठीक है। तो SS देशवाल जो है 1984 बैच के हरियाणा कैडर के IPS ऑफिसर हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ITBP और BSF के अब महानिदेशक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो क्वालकॉम है ये बिल्कुल सही आंसर आप करेगा। इन्फोसिस और क्वालकॉम ने हाल ही में भारत में स्मार्ट सिटी समाधान विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो इन्फोसिस है ये भारतीय सॉफ्टवेयर की प्रमुख कंपनी है और जो क्वालकॉम है ये अमेरिका की एक चिप निर्माता कंपनी है। ये कंपनियां भारत की स्मार्ट सिटी में स्मार्ट स्टेडियम, स्मार्ट मार्केट, स्मार्ट इवेंट, स्मार्ट प्लेस का निर्माण करने में सहायता करेगी। तो ये इन्फोसिस और जो क्वालकॉम के बीच ये टाई अप हुआ तो इनके बारे में आपको पता। अलावा इसने भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन उनमें से किस शहर में किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है दिल्ली, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो शामिल हो गए और इसमें 15,000 से 20,000 लोगों को शामिल करने की संभावना है। तो ये डे जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस जो है वो इस बार लेह में मनाया जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 21 जून को हर दिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? घोषणा की अब आपको बताना कि वो घरेलू क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम से इन्हें जाना जाता है तो वो कौन है? इसका जो वसीम जाफर है बी जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये 1996 से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू अपना किया था और 2008 तक ये कुल 31 टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, ठीक है। और 34 की औसत से उन्होंने 1944 रन बनाए थे और इसमें 5 शतक और अर्धशतक शामिल थे। अब इनको पता लग गया कि इनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो इन्होंने सभी जो T20 ODI और टेस्ट है सभी जो फॉर्मेट इनसे संन्यास लेने की इन्होंने वसीम जाफर ने घोषणा कर दी है। घरेलू क्रिकेट में इनको सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिपरी के हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो 23वां स्थान है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। जो भी हथियार बेचे जाते हैं वो उसके लिए रेटिंग जो है वो बनाई जाती है, रैंकिंग बनाई जाती है। बात करें भारत की तो भारत में जो सबसे अधिक जो हथियार कुछ वर्षों में बिके वो है
म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस जो है इनको तीन कंट्री को सबसे अधिक जो हथियार है वो भारत ने। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो पंकज अडवाणी से ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, पंकज अडवाणी ने फाइनल में महाराष्ट्र के इसप्रीत सिंह को 7-3 से हराकर राष्ट्रीय छः रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अडवाणी इसका ये जो पंकज अडवाणी इनका ये 34वां राष्ट्रीय खिताब है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पंकज ने साल 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अडवाणी ने साल 2014 में प्रोफेशनल स्नूकर में वापसी करने के बाद हर साल वर्ल्ड टाइटल जीती है। वे दुनिया के सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पंकज अडवाणी जो है इनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाकर कम कर दिया है। भारत के विकास का जो अनुमान है, जीडीपी का जो रेटिंग थी उसको कितना कम कर दिया, कम कर दिया इसमें। ठीक है, पहले 7 तक पहुंच चुकी थी भारत की अनुमानित जीडीपी और अब इसको कम करके 5.3% होने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अब आपको बताना। तो ये किसने लिया जी जजमेंट, ये कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर रह सकते हैं। तो ये आपको बताना। इसका जो रूस है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, रूस का जो निचला सदन है ड्यूमा, ठीक है ड्यूमा ये निचला सदन है, वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है उनका कार्यकाल जो उनको बढ़ाकर अब 2036 तक करने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि 2036 तक व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस पद पर राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। टोटल जो सदस्य थे इस सदन के वो थे 383 सदस्य थे इस ड्यूमा सदन में, और जिनमें से 340 जो है उनको उन्होंने वोटिंग की है इसमें, और 43 जो एबसेंट रहे थे उनका वोट जो इसमें वो काउंट नहीं हुआ है। परंतु जो भी लोग प्रेजेंट थे इसमें सब ने समर्थन में वोट किया है, कोई भी इसके विरोध में नहीं था। ठीक है, तो ये 13 मार्च 2020 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके हर एग्ज़ाम के लिए। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। कल हम आपके नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। नमस्कार।